अंजाम इस शहर का आने वाले दिनों में इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि लोगों को मोबाइल लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा, मोटरसाइकिल घर के नीचे खड़ी करना मुश्किल हो जाएगा। आदाब। नशा चाहे पैसों का हो, चाहे कुर्सी का हो, चाहे पावर का हो, यहाँ तक तो ठीक है, मगर नशा कोरेक्स का हो, अफीम का हो, गांजे का हो, चरस का हो, एमडी का हो, यहाँ तक कि ट्यूब का पंचर बनाने वाला जो सॉल्यूशन आता है उसका हो, या आइडेक्स हो, या वाइटनर का हो, बड़ी बात है ना। कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि नशा सिर्फ कोरेक्स में, गांजा, चरस, अफीम, एमडी में ही होता है। ऐसा नहीं है। भिवंडी पुलिस आए दिन भिवंडी शहर में नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करती है, मगर बड़ी बात यह है कि एक कहावत है कि जितना काम करते गए उतना ही वो काम बढ़ता गया। तो भिवंडी शहर के कुछ दूरी पर, लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर देखेंगे तो भिवंडी शहर के पास में मुमरा की कहानी पहले इसी तरह की थी और आज भी है। नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर वहाँ हो रहा था, मगर अब वहाँ कम होने लगा। अब मुमरा के जो लोग हैं भिवंडी शहर से नशे का सामान लेने के लिए यहाँ आने लगे। इसका मतलब यही है कि मुमरा में नशे का कारोबार कम हुआ है और भिवंडी में बढ़ गया है। इसी वीडियो में आप एक ऐसी वीडियो देखेंगे, एक बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 12 से 13 साल है और पंचर जोड़ने के लिए जो सॉल्यूशन आता है उसको सूंघता है। क्या करता है इसको? पीता है इसको? रहता कहाँ है? बंजार भट्टी ना का पीता, एक बार देगा चेक करो, वही बताएगा। इसको लेगा? इसको नहीं नहीं नहीं, इसको पीता है तू? कहाँ मिलता है? क्या बोल रहा है? कहीं पे भी मिलता है ये? पट्टी पे। तेरी उम्र कितनी है? छीन मत उसको। तेरी उम्र कितनी है तू ये पीता है? 8 साल है और तू ये पीता है? छीन मत उसको, इसको पिएगा तू? क्या करता है सॉल्यूशन को क्या करता है तू? ये इससे क्या मिलता है पीने से? इसका सूंघने का तरीका ये होता है कि एक कपड़े में या रुमाल में या मलमल के कपड़े में वो सॉल्यूशन लगाकर उसको नाक के रास्ते से खींचा जाता है, तो वो केमिकल दिमाग पर असर करता है। इसलिए दिमागी तौर पर जब तक उसका असर है तब तक वो जिसने नशा किया है वो शांत रहता है, साइलेंस रहता है। रही बात आयोडेक्स की, तो आयोडेक्स को पाँव में लगाकर सैंडविच की तरह से उसको बनाकर खाया जाता है, ये भी एक नशा है। इसी तरह से वाइटनर का असल काम क्या है? पेपर पर कुछ गलत हो गया है तो उसको मिटाकर वहाँ दोबारा कुछ लिखने के लिए किया जाता है, मगर वाइटनर को भी ठीक कपड़े में इसी तरह से लपेटकर सूंघा जाता है। ये वीडियो जो आप देखेंगे तकलीफ देह है। भिवंडी शहर में कार्य सम्राट बहुत हैं, धर्म सेवक, बड़े बड़े संस्थान सबके पास मौजूद हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, मगर नशे के ताल्लुक से भिवंडी पुलिस को छोड़कर किसी के पास कोई ऐसा अभियान नज़र नहीं आता, क्योंकि भिवंडी पुलिस कभी कभी नशा मुक्त अभियान चलाती है जो भिवंडी शहर के लोगों को पता भी है। मगर भिवंडी शहर के जो कार्य सम्राट हैं उन्हीं के इलाके में, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्हीं के इलाके में नशे का सामान धूम से बिक रहा है और लोग भिवंडी शहर में नाला, नाली, गटर का खेल खेल रहे हैं। तो क्या भिवंडी शहर की समस्या सिर्फ और सिर्फ यही नाला, गटर और सड़क रह गई? भिवंडी शहर की सबसे बड़ी नशा भिवंडी शहर में, कुर्सी की बात तो अलग है, दूसरे नशे की बात तो अलग है, मगर हमारा जो यूथ है, हमारा नौजवान है, और नौजवान कौन सा, कभी कभी मजाक में अपने दोस्तों से कहता हूँ कि ये नौजवान नहीं नौजवान है, ये किसी काम के भी नहीं है, क्योंकि नशे में इनका पूरा शरीर दिखता तो है मगर बर्बाद हो जाता है। ऊपर से हुक्के की नशा अलग, लोग कहते हैं कि हुक्का फ्लेवर है, फ्लेवर कौन सा है, कभी इसके बारे में किसी ने सोचा? लोग कहते हैं कि
हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया है, तो ज़रूर हाई कोर्ट को कुछ लगा होगा तो ही महाराष्ट्र में हुक्का पार्लर पर पाबंदी है। मगर आम इंसान को इसके बारे में पता नहीं है, कोर्ट को पता है, जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता नहीं है। तो इस तरह का नशे का कारोबार जो भिवंडी शहर में बढ़ रहा है, तो अब इसका जो नतीजा है भिवंडी शहर के लोगों के सामने है, क्योंकि ये नशे में रहते हैं और नशे में रहते हुए कुछ भी करते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा सबसे फलता फूलता कारोबार जो भिवंडी शहर में, मोबाइल छीन कर भागना, मोटरसाइकिल की चोरी करना, भिवंडी शहर के एसटी स्टैंड में पाकिट मारना, इस तरह की घटनाएं जो भिवंडी शहर में बढ़ गई हैं, जिसके कारण यहाँ लोग चिंतित हैं। ख़ासकर ऐसे लोग जो फुटपाथ पर पैदल चलते हैं और मोबाइल पर बात करते हुए चलते हैं, उनका मोबाइल अक्सर छीन लिया जाता है। अब भिवंडी शहर में पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, साथ ही भिवंडी शहर के जो कार्य सम्राट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो नाली गटर की साफ सफाई से उठकर अब बाहर आए, वरना अंजाम इस शहर का आने वाले दिनों में इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि लोगों को मोबाइल लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा, मोटरसाइकिल घर के नीचे खड़ी करना मुश्किल हो जाएगा। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान पकड़ियाल। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार।